हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गाउन बनाया है, लॉन्ग गाउन गर्मियों के लिए, और ये मैंने क्रेप के फैब्रिक से बनाया है। और इसमें मेरा टोटल 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, 3 मीटर से गाउन बना है, और हमारा जो 0.5 मीटर है उससे हमने बाजू बनाई है। बाजू का लुक भी आप देख सकती हो। इस तरीके से हम ड्रेस बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी ड्रेस हमारी बन के आती है। चलिए तो कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने 3.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक हमें 40 रुपये मीटर मिल जाता है और गर्मियों के लिए काफ़ी ठंडा होता है। ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, तो इसमें से मैंने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। ठीक है, तो इसी कपड़े से मैं अपना जो ऊपर का टॉप पार्ट है वो बनाऊँगी। तो मैंने इसको ऐसे 4 फोल्ड में रख लेना है ऐसे। और सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं और चौड़ाई में देखते हैं कि मतलब जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, आप ये चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहले लंबाई, जैसे 15 का तैयार रखेंगे तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, टोटल ये 16 इंच कपड़ा है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके अब इसमें हम बॉटनेक बनाएंगे, तो हम 7 इंच पर अपना शोल्डर लेंगे और 7 इंच पर ही अपने आर्म होल लेंगे। और मैं आपको इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी बनाना बताऊंगी, बहुत बहुत ईजी है वो बनाना। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से निशान डाल देंगे, 2 इंच ज़्यादा है हमारा इसी के अंदर इंक्लूड। कमर का चौथा हिस्सा, जैसे अपनी ब्रेस्ट का भी चौथा हिस्सा, और उसमें भी 2 या 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है। कमर का भी चौथा हिस्सा, उसमें भी 1.5 या 2 इंच ज़्यादा लेना होता है। और यहाँ से गोलाई दे दी है, अब इसकी कटिंग कर दूँगी मैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो ब्रेस्ट है वो 40 है, अब 40 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आता है, आपका आता है 10 इंच, और 10 में आप 2 इंच और ज़्यादा ले लीजिए तो आपको 12 इंच कपड़ा लेना है। 36 है तो आपको जो कपड़ा है वो 11 इंच लेना है मार्जिन समेत। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी साइज़ के लिए आप पूरे बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर सकते हो, चाहे वो कुर्ती है, चाहे वो गाउन है, या फिर कुछ भी ब्लाउज़ जो भी है। अभी हमारे पास ये 2 पार्ट आ गए क्योंकि हमने कपड़े को 4 तह में रखा था। ठीक है, अब ये 2 पार्ट आ गए, इनको साइड में रख देते हैं। अब जो हमारा बाकी का फैब्रिक है उसमें से हम अपने जो घेरा है वो निकालेंगे। सबसे पहले इस कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसका देखिए एक कोना पकड़ेंगे, देखिए एक कोना पकड़ा और ऐसे तिकोना मिला दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको तिकोना मिला देना है। ये 2.5 मीटर कपड़ा है और मैंने इसमें से बाजू के लिए कपड़ा अलग निकाल दिया है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, जो मैंने अभी टॉप पार्ट कट किया है इसी को रख के अपनी कमर का मेजरमेंट निकालूंगी। तो इससे इसी के बराबर आप रख के और ऐसे निशान लगा लीजिए। अब इसको मेजर कर लेंगे, 13 इंच है तो चारों तरफ से ये 13 इंच ही आना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर नाप लें। अब लंबाई लेंगे, जैसे कि 40 का बना के तैयार हो गए घेरा, तो उसमें मैं 41 इंच लूँगी। ठीक है, 41 इंच, 1 इंच मार्जिन फोल्ड करने के लिए। टोटल ये जो गाउन है वो 55 इंच का बन के तैयार होगा, हमारा जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसको लगा के। तो यहाँ से हम, हमारा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया है, तो टोटल 42 इंच ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो आपकी जितनी भी हाइट है आप उसमें सिर्फ 1 इंच ऐड करके, तो मैंने 2 इंच ऐड कर लिया है क्योंकि मैं नीचे मोड़ूंगी भी उसको। तो यहाँ से मैंने 42 इंच पे बिल्कुल बराबर करके छोटे छोटे डॉट बनाए पहले, तो इसमें जॉइंट आएगा, जॉइंट भी मैं आपको बता दूँगी। अभी सभी जॉइंट को मैं एक दूसरे से मिलाऊँगी, ये देखिए सभी को एक दूसरे से मिला के और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, अब इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इसमें जोड़ आएगा, जितना आपको दिख रहा है कपड़ा इतना ही इसमें जोड़ आएगा, तो जो बचेगा कपड़ा उसी से हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। 2 पार्ट में जॉइंट आएगा इसमें। तो ये हो गया हमारा कट, अब आपको दिख रहा होगा। अब इसका कमर वाला हिस्सा भी कट कर लेते हैं, ये हिस्सा कट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको भी मैं यहाँ से कट करके अलग कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो जो ये कपड़ा बचा हुआ है उसी को मैं ऐसे रख के और देख रही हूँ, लेकिन ये एक कलर में थोड़ा तो दुल्लर में मतलब डबल था कपड़ा तो वैसा आ रहा था, तो मैं एक एक पीस करके तब निकालूंगी। और ध्यान रखें अगर कपड़ा उल्टा है तो उल्टी साइड से ही रखना है उसको, ऐसा ना हो कि सीधी साइड से, वरना फिर जब जोड़ेंगे तो फिर वो उल्टा सीधा हो जाएगा।
क्योंकि अगर प्रिंट का फ़र्क है जैसे उल्टे सीधे का तो ज़रूर करें, बट दोनों तरफ से कपड़ा सेम है तो कहीं से भी कर सकते हैं। अब जितना भी आ रहा है वो कपड़ा आपको दिख जाएगा, हाथ से हम महसूस करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा कपड़ा यहाँ तक है, तो हाथ से हल्का हल्का महसूस करके और इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये दूसरा पार्ट भी मैंने इसी को रख के और नाप के कट कर लिया है। अब दोनों को यहाँ पे पहले पिनअप कर देंगे, कट कर लिया है मैंने, यहाँ पे पिनअप ज़रूर कर लें। अगर पिनअप नहीं करेंगी तो फिर आप भूल जाएंगी कि कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ेगा। अब जो एक्स्ट्रा निकला है साइड से उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी, क्योंकि जितना मुझे चाहिए था उतना कपड़ा मुझे मिल गया है। ठीक है, अभी हमें इसके गले वगैरह कट करने हैं और इसकी जो बाजू है उसका वीडियो मैं अगली बार अपलोड करूँगी, तो आज की वीडियो में सिर्फ इस गाउन को बनाना सीखेंगे। अब हम गला बनाएंगे। 3.5 इंच पे गले की चौड़ाई होगी बॉटनेक की, और यहाँ से 4 से 4.5 इंच ले सकती हैं आप लंबाई में, यहाँ से भी 3.5 इंच, और इसमें अब गले की शेप दे लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से लगभग हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को अलग कर देंगे यहाँ से भी, और इसको किसी कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे, प्रेस से चिपकाने वाली पेपर पेस्टिंग है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीछे भी डिज़ाइन देना चाहती हैं तो आप पीछे भी डिज़ाइन दे सकती हैं। मैंने वैसे वो किसी और कुर्ती के लिए बनाया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी कि आपको अगर पीछे बनाना है तो आप बना सकती हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रखा गले को उल्टा करके सीधी साइड को, सेंटर में निशान ज़रूर लगा लें ताकि गला एकदम बराबर आए। कुर्ती के सेंटर में भी लगा लें और गले के सेंटर में भी लगा लें। अब यहाँ से इसको मैं घुमाते हुए ऐसे कर दूँगी सीधा। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही करेंगे और सिलाई लगा देंगे इसमें, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसको रॉन्ग साइड को पलट देंगे। अब एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे, तो ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी उसके बाद देखिए, अगर आप इस तरीके का गला बनाना चाहती हैं, ये पीछे का होगा आगे को नहीं बनाना है, तो आप ऐसे गोल सर्कल में पैटर्न कट करके आप ऐसे लगा सकती हैं। सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, मैं लगा नहीं रही हूँ, मैं इसे सिंपल ही रखूँगी। अब जो मैंने गाउन में पिनअप किया था उसको हम सिलेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर इस जोड़ को हम पूरा सिल लेंगे। तो यहाँ से पिन निकालते जाएंगे और इसको सिलाई लगाते जाएंगे। और फिर इसको हम सीधी साइड को पलट के और प्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिल लिया है। यहाँ से वीडियो ऑन नहीं था, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने सिला था। मैंने पहले टॉप पार्ट को रखा और फिर जो इसका घेरे वाला हिस्सा था उसको रख के और बस सीधी ऐसे सिलाई लगा दी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बस टॉप पार्ट को रखना है, उसी के साथ अपने जो आपका दूसरा पार्ट है उसको रखना है। अब दोनों सेम तैयार हो गए हैं। अब दोनों का कर लेते हैं हम शोल्डर जॉइंट। इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसमें फिटिंग डाल देंगे। तो फिटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर इस एक शोल्डर बड़ा हो जाए तो इस तरीके से गोलाई में कट करके उसे अलग कर दें। अब यहाँ से फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे नीचे बॉटम तक। और देखिए, आप इसमें पीछे बेल्ट लगाना चाहती हैं तो आप पीछे इसमें बेल्ट लगा सकती हैं, दो बेल्ट मतलब दो डोरी बना के, और यहाँ पे जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे आप उसे किसी भी साइड को सिल दीजिए, वो बैक में ही आएंगी। अब नीचे तक सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे और दूसरी साइड से फिटिंग देंगे इसकी। फिटिंग आपको जितनी भी आपकी फिटिंग है उस हिसाब से देनी है, मार्जिन छोड़ के नीचे तक करके लाएंगे फिटिंग को। तो देखिए, बनके तैयार है गाउन। नीचे से भी मैंने इस पर पीको करा ली है और इसकी बाजू का वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर कर लेंगे। आप इस पर पीको ही कराएं, अगर आप चाहें तो इसे मोड़ भी सकती हैं, लेकिन पीको से अच्छा लुक आता है। अच्छा लगे वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।